आईवीएफ का क्या प्रोसीजर होता है और एक साइकिल आईवीएफ में कितने दिन लगते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जो लगभग 8 से 10 दिन का होता है, जिसमें हम जो फीमेल है उसे मेडिसिन यानी टैबलेट्स और इंजेक्टेबल्स जो हॉर्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं उस पर रखते हैं। इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं। फॉलिकल की साइज सोनोग्राफी द्वारा देखी जाती है, जिसे हम कॉमनली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं, और एक स्पेसिफिक साइज की हो जाने पर उसे रप्चर करके फीमेल में अंडर एनेस्थीजिया या सुन करके उस अंडे को निकाले जाते हैं, जिसे हम ओसाइट रिट्रीवल या ओवम पिकअप कहते हैं। यह है सेकेंड स्टेप। फिर फीमेल के एग को मेल के स्पर्म से इन विट्रो फर्टिलाइज किया जाता है, यानी एम्ब्रियो बनाया जाता है लैब में, और यही एम्ब्रियो फिर से अंडर एनेस्थीजिया यानी सुन करके फीमेल के गर्भ में यानी यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। ये प्रोसीजर लगभग 14 to 15 days का होता है, और बस फिर 15 दिन बाद हम बीटा एचसीजी रिपीट करते हैं ये देखने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नहीं। अगर ये फ्रेश ट्रांसफर है तो ये इमीडिएटली उसी साइकिल में होता है, लेकिन अगर ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है तो उसमें हम 1 महीने का गैप देते हैं और अगले महीने कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेश ट्रांसफर इमीडिएटली होता है, फ्रोजन ट्रांसफर को लगभग 2 महीने लग जाते हैं। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन, ताकि उन्हें भी पता चले कि आईवीएफ इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं।